अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं मजबूर हो गई मीन्स के ये रिकॉर्ड करने में। अभी मैंने इंस्टाग्राम पे नताशा बकास की स्टोरीज देखी जिसमें वो काफ़ी रो रही थी। उनका जो चैनल है वो हैक हो गया और मेरी इतनी फैन फॉलोइंग बिल्कुल नहीं है। मैं जानती हूँ अभी तो मेरा स्टार्ट है और वायरल होने का तो बहुत मतलब इतना नहीं पता, लेकिन वो बंदी इतनी मेहनत कर रही थी। आप यकीन करें, मैंने इनको देख देख के, ये जो फीमेल क्रिएटर्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, इनको देख देख के मैं यूट्यूब पर आई, शौक पैदा हुआ कि कुकिंग का हुनर है तो मतलब कि कुछ करने का हुनर है तो कुछ किया जाए। लेकिन आज उनका चैनल जो है ना वो हैक हो गया। इतना मुझे अफसोस, इतने मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और स्पेशली उनका जिनका मतलब कि सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब, जिनके मतलब कि घर के जो अखराज चलते हैं यूट्यूब के मतलब ऑनलाइन अर्निंग की वजह से, इतना इतनी मेहनत किसी के आंखों के सामने से उसकी हर चीज़ चले जाना, यकीन माने बहुत दुख की बात है। और आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा तो विदा है, लेकिन लोगों को ना अफसोस है मुसलमानों पर, जिसने भी किया ना उसका कुछ भी नहीं बनना, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो देखनी है तो मैं यही कहूँगी आपको, इंशाल्लाह आपका जो चैनल है वो वापस आएगा, क्योंकि सच सच होता है। और आई थिंक सो मेहनत करने वाला कभी ज़िंदगी भी ना नाकाम नहीं होता। तो मैंने सोचा कि मैं भी ना बहुत सारी यूट्यूबर्स, बहुत सारी फीमेल क्रिएटर्स जो कि बहुत लो लेवल पे हैं, वीडियोस अपलोड कर रही थी, मैंने कहा मैं भी करती हूँ। और मेरा मानना है कि अल्लाह ताला ना जो देता है ना सिर्फ आपकी नीयत देख कर देता है, यहाँ से माइंडसेट से ज़ुबान से कुछ भी नहीं मिलता। अल्लाह ताला आपके दिलों को देखता है और दिलों को देखते हुए नीयत के इवज मिलता है। तो बस क्या कहूँ, बस मेरी दुआ है, दिली दुआ है, रमज़ान मुबारक का मुकद्दस महीना है और खैर से जुम्मा मुबारक का दिन था। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब अच्छा करे, सबका जो रिज़्क है वो कुशादा करे। और बहुत मुझे अफसोस हुआ, काफ़ी वो रो रही थी और ये भी था कि उनका जो सैलरी थी वो मतलब कि अब आनी थी, लेकिन अब हैक हो गया। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर ना वापस आ जाएगा, क्योंकि चार बच्चों के साथ व्लॉगिंग करना, व्लॉगिंग का चैनल जो काफ़ी माशाल्लाह से उनका हाई था, मतलब कि मेन चैनल से व्यूज़ वगैरह, ज़ाहिर है व्यूज़ आते हैं तो अर्निंग आती है। तो व्लॉग और मेन चैनल का दोनों ही हैक हो गए और उनके हस्बैंड की जो वेबसाइट है जहाँ से वो अर्न करते हैं वो भी हैक हो गया। मेरी दिली दुआ है कि उनका चैनल वापस आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप सब लोग जो मेरे फैन फॉलोइंग हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर, जहाँ से भी दुनिया के जिस कोने से भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी दुआ कीजिएगा। इसी के साथ मैं इस छोटे सा जो वीडियो रिकॉर्ड के एंड करती हूँ जी। अल्लाह हाफिज़, और दुआ में मुझे याद रखिएगा और इसको भी माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। चलो सो जाओ।